कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजर गया आपकी स्क्रीन पे, जिसमें बताया गया है कि राहुल गांधी अपोजिशन मेगा रैली इन मुंबई शिवाजी पार्क टुडे, शरद पवार एंड के स्टालिन टू ज्वाइन। तो इतना बड़ा आर्टिकल आया, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जनवरी 2024 जलते हुए झगड़ते हुए मणिपुर से राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो नया यात्रा का स्टार्ट किए थे, जो आज 63rd डे है, और कल 16th मार्च सैटरडे 2024 वो कुर्ला में थे, मुंबई के कुर्ला में थे, और आज उनकी रैली जो है वो शिवाजी पार्क में। न्यूज़पेपर में मजीद बताया गया है कि कांग्रेस लेड अपोजिशन इंडिया अलायंस इस रैली में, ये संडे की रैली में जो शिवाजी पार्क में होने वाली है, उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे। उसमें बताया गया है कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन, जो कि प्रोमिनेंट मेंबर है इंडिया ब्लॉक के, वो अटेंड करेंगे। साथ ही साथ बताया गया है कि ये जो मीटिंग है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो मुंबई में ये रैली करने वाले हैं, वो सबसे पहले ट्रिब्यूट देना चाहेंगे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को, उनकी चैत्य भूमि में जो कि सेंट्रल मुंबई में वाक्य हैं। और बताया गया है कि इस रैली में हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट लीडर शमूलियत इख्तियार करेंगे, जिनमें चंद नाम है। बिसाइड्स एम के स्टालिन, टॉप अपोजिशन लीडर सच एज शिवसेना यूबीटी के प्रेसिडेंट उदय बाला साहब ठाकरे, एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार, आरजेडी लीडर एंड फॉर्मर बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के लीडर सौरभ भारद्वाज, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन और फॉर्मर सीएम हेमंत सोरेन की वाइफ कल्पना सोरेन, ये सब लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। तो समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ी रैली होने जा रही है और लाखों लोग इस रैली में पार्टिसिपेट होंगे, तो ये बहुत ही बड़ी जीत होंगी राहुल गांधी की अपने एक तरीके से। जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, उसकी एक तरीके से बहुत ही बड़ी एडवर्टाइजमेंट हो जाएंगी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रॉपर सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है बीजेपी में, एकनाथ शिंदे की शिवसेना में और अजीत पवार की एनसीपी में, अभी तक प्रॉपरली डिक्लेरेशन नहीं हुआ और उसमें इतनी बड़ी रैली। तो ये समझ लीजिए कि एक तरीके से बीजेपी एनसीपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के खेमे में घबराहट सा माहौल होगा और ये बहुत बड़ी रैली होंगी, इसका हमें अनुमान है। खुदा हाफिज़।